हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज़ वीरेन ठाकुर एंड वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश इन टूडेज़ वीडियो विल टॉक अबाउट चैप्टर इंडिगो बाय लुई फिशर एंड दिस इज द चैप्टर फ्रॉम फ्लेमिंगो बुक फॉर क्लास प्लस टू अब इसकी थीम की बात करते हैं द लीडरशिप शोन बाय महात्मा गांधी टू सिक्योर जस्टिस फॉर ऑपरेस पीपल थ्रू कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंटेशन एंड नेगोसिएशन इसमें महात्मा गांधी जी की जो लीडरशिप थी उनका नेतृत्व था उसके बारे में बात की गई है जिसके बल पर उन्होंने जो लोग जिनके खिलाफ अत्याचार किया जाता था उनके लिए जस्टिस को सिक्योर किया सुरक्षित किया हासिल किया और किस क्वालिटी के बल पे कन्विंसिंग आर्गुमेंटेशन और नेगोशिएशन के बल पे अपने आप को उन्होंने इस तरह से सबके सामने रखा अपने आर्गूमेंट्स को इस तरह से प्रेजेंट किया सब लोग कन्विंस हुए चलिए इसकी सब थीम की बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय अनोनिमस इंडियंस टू द फ्रीडम मूवमेंट बहुत सारे इंडियंस ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया इसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उसके बारे में भी बात की गई है ये इसकी सब थीम है चलिए हम इसकी समरी की बात करते हैं Indigo summary is going to assist students in learning about the chapter in a summarized version. Indigo is about how Mahatma Gandhi struggled for the underprivileged peasants of Champaran. They were the sharecroppers with the British planters. The peasants used to live a rest life and were under an agreement to grow indigo. Agarambhatkare Indigo chapter ki तो इसमें जो इसकी समरी है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी किस चीज़ में इसको एक समराइज वर्जन के तौर पे समझने में और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी के स्ट्रगल को समझने में हेल्प करेगी जो उन्होंने अंडर प्रिवलेज जो किसान थे जिनके हितों की रक्षा सरकार या अन्य अधिकारी नहीं कर पा रहे थे और उनके हित काफ़ी असुरक्षित थे उनके हितों की रक्षा करने के लिए महात्मा गांधी ने जो स्ट्रगल किया उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे चंपारण में जो पेजेंट्स थे वो शेयर क्रॉपर्स थे यानी कि अपनी क्रॉप को शेयर करते थे काम करते थे प्रोडक्शन भी देते थे लेकिन फिर भी उन्हें ब्रिटिश प्लांटर्स के साथ उसे शेयर करना पड़ता था द पेजेंट्स यूज टू लिव अ रेच लाइफ एंड अंडर एन एग्रीमेंट टू ग्रो इंडिगो काफ़ी दुर्दशा वाली ज़िंदगी वो जीते थे और इस अग्रीमेंट के तौर पे उन्हें इंडिगो उगानी ही पड़ती थी एज बिहार हैड द लैंड लोड सिस्टम बैक it इट वॉज इन दंडीशन दस गांधी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस अगर हम बात करें उस समय के बिहार की तो उस टाइम लैंड सिस्टम जो था वो वहाँ पे प्रचलित था और जिससे कि किसानों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो अपनी एक जंग जो है उसे जारी रखें किसके प्रति इनजस्टिस के खिलाफ जो उनकी जंग थी ही वेस्ड अ वॉर विच लास्टेड फॉर अयर टू टैकल द डिस्क्रिमिनेशन एंड गॉड जस्टिस फॉर द पेजेंट्स लगभग एक साल तक उन्होंने एक स्ट्रगल किया और डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने की कोशिश की और उसके बाद पेजेंट्स के लिए जस्टिस हासिल किया आफ्टर दैट इट हेल्प द पेजेंट्स बिकम करेजियस एंड अवेयर ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स मोर ओवर गांधी जी डिड नॉट जस्ट वर्क टू टैकल पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशूज़ बट ही ऑल्सो टुक अप सोशल इशूज़ महात्मा गांधी जी ने किसानों को काफ़ी करेजियस बना दिया और उन्हें अपने फंडामेंटल जो उनके मौलिक अधिकार थे उनके प्रति भी जागरूक किया लेकिन महात्मा गांधी जी ने इस पॉलिटिकल अचीवमेंट के बाद अपने आप को सेटिस्फाई नहीं किया उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई नहीं माना उन्होंने और भी इश्यूज जो थे उनको टेकअप किया चाहे वो सोशल इशू हो या इकोनॉमिक इशू हो ही वर्क टू प्रोवाइड देम विद एजुकेशन हेल्थ हाइजीन एंड टोर देम सेल्फ कॉन्फिडेंस तो महात्मा गांधी जी ने उन्हें अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए भी प्रेरित किया हेल्थ के प्रति हाइजीन के प्रति क्लिनलीनेस के प्रति जागरूक किया और उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में काफ़ी मदद की चलिए हम इसके मेन पॉइंट्स की बात करते हैं तो स्टोरी शुरू होती है राजकुमार शुक्ला अप्राइज गांधी जी ऑफ़ इन्जस्टिस ऑफ द लैंड लोड सिस्टम इन बिहार राजकुमार शुक्ला जो एक सामान्य पेजेंट था काफ़ी रेजल्यूट था काफ़ी डिटर्मिट था और उसने महात्मा गांधी जी को बताया कि किस तरह से लैंड लोड सिस्टम जो बिहार में चला हुआ था उसकी त्रुटियां क्या थी और उससे किसानों को कितना नुकसान हो रहा था राजकुमार शुक्ला वन ऑफ़ द शेयर क्रॉपर्स गांधी जी वॉज एब्सोल्यूटली बिजी बट राजकुमार फॉलोड हिम अनलेस ही प्रोमिस टू विजिट चंपारण गांधी जी बिजी थे लेकिन राजकुमार शुक्ला भी हार मानने वाला नहीं था राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी जी का पीछा किया और उन्हें मना कर ही छोड़ा गांधी जी ओनलीज वे टू मुजफ्फरपुर स्टॉप एट द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद जिनको कि आप भली भांति जानते हैं वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे मेट जे बी कृपलानी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मीटिंग एडवोकेट्स इन मुजफ़्फ़रपुर एंड चाइडेड दैम उनको स्कोल्ड किया इसलिए स्कोल्ड किया क्योंकि वो किसान जिनके हितों की रक्षा नहीं होती थी और वो केस फाइल करते थे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते थे उन किसानों से बहुत ज़्यादा पैसे लिया करते थे एक केस लड़ने की फ़ी के तौर पर इसलिए किसानों का विश्वास जस्टिस से उठ चुका था उन्हें बहुत डर लगता था कभी भी वो न्यायालय की तरफ जाते थे तो इसे महात्मा गांधी जी ने उन्हें स्कोल्ड किया शेयर क्रॉपिंग सिस्टम ओपरेसिज द फार्मर्स इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक इंडिगो इन जर्मनी लेट टू एक्सटोशन ऑफ मनी फ्रॉम द प्रजेंट्स बाय लैंड हुआ ये कि जब सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी ने डेवलप की तो किसानों से एक एग्रीमेंट कराया गया कि आपको ओल्ड इंडिगो के सिस्टम से फ्री किया जाएगा उसके लिए आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा और उनसे सिग्नेचर लिए गए डॉक्यूमेंट्स लिए गए लेकिन फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना जो फैसला है वो बदल दिया क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो के दाम दोबारा बढ़ गए जो पहले सस्ती थी दोबारा बढ़ गए क्योंकि जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी विश्व युद्ध नंबर वन के कारण विश्व युद्ध जो हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसके कारण जर्मनी की स्थिति काफ़ी नाजुक थी फाइनेंशियल कंडीशन की अगर बात की जाए तो तो इसलिए ये एक अपसेट करने वाली न्यूज़ थी प्रजेंट्स के लिए जिन्होंने पैसे जमा करवा दिए थे तो अब वो कंपनसेशन चाहते थे इसलिए अब वो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने लगे महात्मा गांधी जी ने इस मोमेंट को काफ़ी अच्छे से लीड किया उसके बाद गांधी जी अरावल इन चंपारण मीटिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंड लॉर्ड एंड कमिश्नर ऑफ तिरहट हिज क्लैश विद पुलिस एंड समन टू अपीयर इन द कोर्ट हिज प्ली एडमिट्स ही इज फेसिंग द कन्फ्लिक्ट अब एक और प्रॉब्लम उनके सामने थी कि कन्फ्लिक्ट ड्यूटी थी क्योंकि वो कोर्ट को छोड़ के भी नहीं जा सकते थे हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि वो कोर्ट को छोड़ के चले जाएं, उनको फ्री कर दिया जाए लेकिन वो एक लॉ ब्रेकर के तौर पे भी अपने आप को नहीं रखना चाहते थे और उन भोले भाले किसानों को भी लीड करना चाहते थे इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ड्यूटी था अब अगर बात की जाए वहाँ के लैंड लोड सिस्टम की तो सिस्टम ये था कि शेयर क्रॉपिंग में फिफ्टीन लैंड होल्डिंग जो थी उस पर पेजेंट्स जो थे वो एक किराएदार की तरह टेनेंट्स की तरह काम करते थे और 15 परसेंट लैंड में जो प्रोडक्शन होती थी इंडिगो की उसका सारी की सारी प्रोडक्शन जो थी वो ब्रिटिशर्स को दे दी जाती थी तो अपने आप में ही ये सिस्टम काफ़ी इरिटेटिंग था इस सिस्टम से वो निकलना चाहते थे इसलिए ही ये सारी लड़ाई थी और इस लड़ाई में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पैसे उनसे ले लिए गए और बाद में उस सिस्टम को भी ख़त्म नहीं किया गया तब उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया महात्मा गांधी जी ने भी इस में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उनको अवेयर करवाया डेमोन्स्ट्रेशन बाई थाउजेंड ऑफ पेजेंट्स होपलेसनेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लैन जेल भरो आंदोलन विद द हेल्प ऑफ लॉयर्स जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की गई लॉयर्स ने भी उसमें महात्मा गांधी जी का साथ दिया ब्रिटिश ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी द बैटल ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑफिशियल कमीशन इंक्वायरी और फिर उसके बाद 25 परसेंट रिफंड जो था वो किया गया महात्मा गांधी जी को और उन किसानों को जिन्होंने पैसे जमा करवा दिए थे लैंड सरेंडर एंड पेजेंस गेन करेज लर्न हैज डिफेंडर्स एंड राइट्स ब्लैंड लोर्ड्स ने अपने को सरेंडर कर दिया क्योंकि उन्हें कॉम्पनसेशन भी देना पड़ा ट्वेंटी फाइव परसेंट का हालांकि हंड्रेड परसेंट की डिमांड थी लेकिन ब्रिटिश जो कि अच्छे बारगेनर थे उन्होंने ट्वेंटी फाइव परसेंट ही दिया लेकिन द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एट दोमेंट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द थिंग दैट वॉज इम्पॉर्टेंट वॉज ब्रिटिशर्स को अपनी रिस्पेक्ट को खोना पड़ा उनके लिए सबसे बड़ी हार थी सोशल वर्क एजुकेशन हेल्थ एंड क्लीनलीनेस इन द दिलेज इज टर्निंग पॉइंट इन गांधीजी लाइफ एंड इट डेवलप्ड एन एटीट्यूड ऑफ सेल्फ रिलायंस अमंग पीपल लॉयर्स इस तरह से इस लेसन का सबसे बड़ा जो एक एक्सट्रैक्ट या एक लर्निंग निकल के आती है वो ये थी कि लॉयर्स और उस समय के जो लोग थे उनमें एक सेल्फ रिलायंस की भावना आई उनको आत्मनिर्भर बनने में इस एपिसोड ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया सो so स्टूडेंट्स मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को वॉच करना सब्सक्राइब करना लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और आने वाली टॉपिक्स की वीडियो की देखने के लिए बने रहें मेरे चैनल में is English by Viren Thakur. Thank you.